अक्टूबर के पहले दिन ही ट्रिपल झटका, पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी सिलेंडर के भी बढ़े दाम। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारा गया एक आतंकी। पुलिस के मुताबिक शोपिया के रखामा इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी। अडानी समूह के कारोबारी गौतम अडानी की संपत्ति एक साल में 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ी। अब भारत में 189 और लोग अमीर की सूची में हुए शामिल। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बढ़ाई गई समय सीमा समाप्त होने के साथ शुक्रवार से बिजली बिल का भुगतान, फोन रिचार्ज समेत विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान को लेकर सत्यापन के अतिरिक्त उपाय की होगी जरूरत। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसान, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। 150 से ज्यादा किसान कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद। चक्राता कोसी मोटर मार्ग पर बीते देर रात भारी मलबा आने के चलते यातायात हुआ बाधित, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सरकारी अस्पताल में अब मरीज मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लोग उठा रहे हैं लाभ, ऐसे में मरीजों को महंगी जांचों और इलाज के लिए अन्य शहर का नहीं करना पड़ेगा रुख। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीव सप्ताह का हुआ आगाज। वन्य जीव सप्ताह का मुख्य उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण एवं इसके बारे में लोगों को करना है जागरूक। हरिद्वार में हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक सिपाही की मौत। हरिद्वार पुलिस घटना की जानकारी में जुटी। मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के तहत पानी की लाइन बिछाने का कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य में लापरवाही के चलते विभिन्न क्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। धनौल्टी के विकास खंड धौलर के पूर्व प्रधान सदस्य क्षेत्र पंचायतों की ओर से मनरेगा योजनाओं के सामग्री भुगतान की मांग को लेकर की गई बैठक। पिथौरागढ़ में रिंगाल और बांस से बने उत्पादों की बाजार में लगातार बढ़ती जा रही मांग, मांग बढ़ने से कई लोगों को मिल भी रहा है रोजगार। कॉर्बेट में चल रहे तितली तैयार कार्यक्रम का हुआ समापन, इस दौरान तितली फोटोग्राफी कंपटीशन, तितली ड्राइंग कंपटीशन और साइकिल जागरूक रैली का किया क्या आयोजन। प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागियों को विधायक दीवान बिष्ट ने किया सम्मानित। अफ्रीकी नागरिक को थाने पर जमकर बवाल, पुलिस कर्मियों को पीटा, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, 53 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसान महापंचायत नाम के संगठन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, आप ट्रेन रोक रहे हैं, हाईवे बंद कर रहे हैं, क्या शहरी लोग अपना काम बंद कर दें, बिजनेस, क्या ये लोग शहर में आपके धरने से हैं खुश। धान की खरीद शुरू होने से पहले शुक्रवार को कर्मचारियों ने हरियाणा की सभी अनाज मंडी में किया प्रदर्शन, फतेहाबाद की अनाज मंडी में भी कर्मचारियों ने जमकर किनारेबाजी। हरियाणा में धान की खरीद को लेकर अब सरकार और किसान नजर आ सकते हैं आमने सामने। किसान नेता गुरनाम चढ़ू ने वीडियो जारी कर हरियाणा सरकार को दी है चेतावनी। हरियाणा से रात भरी खबर आई सामने, कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। गुरुवार को हरियाणा में मिले केवल 9 मरीज। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आशीर्वाद यात्रा स्थगित, उपचुनाव होने की वजह से दरभंगा प्रशासन ने आशीर्वाद यात्रा की अनुमति की खारिज। पटना में प्रदूषण से स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार उठा रही है कई कदम, सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को दिया जा रहा बढ़ावा, डीजल ऑटो की डेडलाइन खत्म होने से चालक परेशान। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी, दरभंगा के बेनीपुर और अलीनगर प्रखंडों में पंचायत चुनाव की मतगणना करीब 1 घंटा विलंब से शुरू। अलीनगर में कुल 1488 प्रत्याशियों की किस्मत का होना है फैसला। जदयू नेता और कार्यकर्ता मीडिया में खासकर सोशल मीडिया पर बढ़ाएंगे अपनी सक्रियता, जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने दिए मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पार्टी की छवि को बेहतर बनाने के टिप्स। यूपी के गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड का अभी तक नहीं सुलझा मामला, गुरुवार को एक और मनीष प्रजापति नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या। अमरोहा जिले में पूर्व विधायक समेत 5 लोगों पर महिला के साथ छेड़छाड़ व लूट का लगा आरोप, महिला के गुहार के बाद एडीसी जोन बरेली ने हजमपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया आदेश, मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अफसरों का गुरुवार देर रात किया गया तबादला, पुलिस महकमे में 2 IPS पुलिस अफसर रिटायर्ड तो 2 सीनियर IPS अफसरों को DG पद पर मिली पदोन्नति।